एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले तू, हे ईश्वर या अल्लाह है दाता। फॉर फ्रेंड्स, रियली हार्ट ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन द मॉर्निंग। ये न्यूज जिसकी एक्सपेक्टेशन किसी ने भी नहीं की थी, 28 जनवरी को यहाँ पर लता मंगेशकर जी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया था क्योंकि वो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा रही थी, लेकिन 5 फरवरी को वापस से उनकी जो कंडीशन है वो डिटोरिएट होना शुरू की एंड उनको वेंटिलेटर पर वापस से, शी वॉज पुट ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट। अनफॉर्चुनेटली उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई, अग्रेसिव थेरेपी के अंडर उनको रखा गया एंड वो सारे के सारे इन प्रोसीजर्स को टॉलरेट कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका निधन हो गया गाइस। यस फ्रेंड्स, 92 इयर्स की उम्र में द नाइटिंगेल ऑफ द नेशन लता मंगेशकर जी, उनका आज देहांत हो गया है। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल जो है वहाँ के CEO डॉक्टर एन सांतनम ने ये कन्फर्म किया है कि लता मंगेशकर जी इज नो मोर विद अस। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हैज फाइनली डिपार्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। आशा करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। 13 वर्ष की उम्र से उन्होंने अपने जो संगीत का सफर है वो शुरू किया था। अपना पहला गाना सन 1942 में गाया था, एक ऐसा करियर जो 7 दशकों का था। फॉर 7 डिकेड्स ही सैंग सॉन्ग, मोर देन 30,000 सॉन्ग्स गाइज इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। अनफॉर्चुनेटली आज वो हम सभी लोगों को छोड़कर चले गई है। द विनर ऑफ पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, लीन ऑफ ऑनर, लता मंगेशकर जी इज नो मोर विद अस। वेल फ्रेंड्स, उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पर 12:30 बजे ले जाया जाएगा। द लास्ट राइट्स विद फुल स्टेट ऑनर्स विल बी कंडक्टेड एट शिवाजी पार्क। शाम को 6:30 बजे का एक टेंटेटिव टाइम जो है वो यहाँ पर आधारित किया गया है। अंतिम दर्शन जो है उनका उनके घर पर रखा गया है 2:30 बजे एंड उसके बाद अंतिम यात्रा जो है उनकी शिवाजी पार्क के लिए रवाना होगी। वेल फ्रेंड्स, एक बहुत ही दुखद घड़ी है पूरे देश के लिए। आई थिंक 2 डे का नेशनल मोर्निंग यहाँ पर रखा गया है उनकी डेथ के कारणवश। शी सैंग अन्यूमरेबल सॉन्ग्स, आई मीन उनकी जर्नी जो है वो बहुत पहले जाती है। शी सॉन्ग फॉर लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर्स लाइक नौशाद जी, दीदार, बैजू बावरा, उरन खटोला, मदर इंडिया, शंकर जयकिशन जी के साथ भी उन्होंने बरसात, आह, श्री 420, चोरी चोरी, सारे के सारे लेजेंड्स गाने गाए हैं। नॉट ओनली इन द 50s, इन द 60s शी सैंग प्यार किया तो डरना किया फॉर मुगले आजम, विच बिकेम अ रेज गाइस। एंड उनका जो गाना था ए मेरे वतन के लोगो, जरा आंख में भर लो पानी, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने उन्होंने ये गाना गाया था जो कि आज भी यहाँ पर अमर हो गया है। SD बर्मन जी के साथ, RD बर्मन जी के साथ, भूत बंगला, पति पत्नी, बहारों के सपने, अभिलाषा, इन सारी ऐतिहासिक फिल्मों में तो उन्होंने गाना गाया ही गाया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ भी उन्होंने फिल्म सचास, पारसमनी, मिस्टर एक्स, आए दिन बहार के, मिलन, अनीता, शागिर्द, इंतकाम, इन सारी लेजेंडरी फिल्मों में गाना गाया है। सिर्फ हिंदी नहीं, मराठी एंड अन्य भाषाओं में उन्होंने स्पेशली मीना कुमारी जी के साथ जो उनकी लास्ट फिल्म थी पाकीजा, उसमें भी गाना गाया है गाइज उन्होंने। लेकिन वी एज 90s किड्स ऑब्वियसली विल रिमेम्बर लता जी फॉर द सॉन्ग्स शी हैज संग एंड वी, हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि हमने उनके गाने जैसे कि ये दिल लगी, DDLJ, दिल तो पागल है, मोहब्बत है, मुझसे दोस्ती करोगे, वीर जारा, इन सारी फिल्मों में हमने उनके गाने सुने। आज इस दिन पर मैं उनके जो मेरे मन पसंदीदा गाने हैं वो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली गाइज, इट्स अ वेरी सैड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, वी हैव लॉस्ट अ कंप्लीट प्राइड ऑफ द कंट्री टुडे। एंड गाइज, शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट परफॉर्मर्स, इंडियन परफॉर्मर्स टू परफॉर्म इन द रॉयल एल्बर्ट हॉल इन लंडन इन 1974। इतना ही नहीं, 3 नेशनल अवार्ड्स, 15 बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स, 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स, 2 फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड्स, फिल्म फेयर लाइफ टाइम स्पेशल अवार्ड, ये सारे के सारे पुरस्कारों से लता जी को जो है वो सम्मानित किया गया था गाइस। एंड इस दुख की घड़ी में मैं कहना चाहता हूँ कि उनके जो वीर जारा के गाने थे, शी हैड ऑलमोस्ट संग द फुल एल्बम, राइट फ्रॉम तेरे लिए, ऐसा देश है मेरा, ये हम आ गए हैं कहाँ, दो पल,
अरे सारे गाने गाइस वो टाइम पर ब्लॉकबस्टर्स नहीं बल्कि चार्ट बस्टर्स थे गाइस, स्पेशली सॉन्ग्स कैसे पिया से मैं कहूँ फ्रॉम बेवफा, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ से फ्रॉम पेज थ्री, दाता सुन ले फ्रॉम जेल, वो वन ऑफ द लास्ट सॉन्ग्स इन 2009। लेकिन उसके बाद भी गाई सतरंगी पैराशूट फिल्म थी 2011 में, जहाँ पे उन्होंने तेरे हंसने से मुझको गाना गाया था। हर लास्ट कमर्शियल सॉन्ग वॉज जीने क्या है जाना मैंने फ्रॉम डोंट नो व्हाई लाइफ इन अ मोमेंट, 2015 में फिल्म आई थी, काफी कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म थी। उसमें उन्होंने अपना जो आखिरी गाना है फॉर कमर्शियल फिल्म वो गाया है, ए आर रहमान जी की वो काफी फेवरेट थी। एंड उनके गाने जैसे जिया जले जान जले फ्रॉम दिल से माई पर्सनल फेवरेट फ्रॉम 1, 2 का 4, खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, लेकिन वन ऑफ अ मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स कली बोनी जी, 22 साल हो गए थे पुकार फिल्म के, वो याद कर रहे थे यू नो एक तू ही भरोसा, दैट वॉज द हाईलाइट ऑफ द क्लाइमैक्स ऑफ पुकार, दैट फिल्म वॉन द नेशनल अवार्ड। एंड लता जी की जो आवाज़ थी क्लाइमैक्स में, इट वॉज अ वेरी ग्रेट सिनेमैटिक मोमेंट मैं कह सकता हूँ गाइस। हाँ लुका छुपी फ्रॉम रंग दे बसंती आइकॉनिक सॉन्ग, ओ पालनहारे वो गाना, लगान से, ये सारे के सारे गानों में उन्होंने यू नो जान फूंक दी थी। शी वॉज वन ऑफ द लेजेंडरी सिंगर्स एंड इट्स अ बिग लॉस फॉर द नेशन दैट वी हैव लॉस्ट द नाइटिंगेल ऑफ द नेशन लता मंगेशकर जी। आशा करते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।